धन्यवाद आपके हमारे मुख्य अतिथि और हमारे बड़े भाई जी हैं और जिन्होंने आज वास्तव में मौसम विभाग की घोषणा की कि बहुत भारी बारिश होगी। वो बारिश तो नहीं हुई लेकिन आज निश्चित रूप से उत्तराखंड के इतिहास के लिए आज 100 बारों की बारिश हुई है। हम लगे गए थे कि IGPL की जमीन उत्तराखंड को मिलनी चाहिए। जब हमारा प्रदेश बना तो उस समय यह भी चल रहा था कि राजधानी IGPL में बनाए, लेकिन बात यही आएगी भूमि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आज 18 वर्ष के बाद वो दिन आया और आज माननीय अनंत कुमार जी ने उत्तराखंड को वो सौगात भेजी कि कई लोगों को जो सपना लगता था वो सपना आज साकार हो गया है। और एक बार पुनः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सौगात राज्यों से माननीय अनंत कुमार जी का यहाँ पर स्वागत है। मैं प्रधानमान सीकर का आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से कह रहा था कि आपने हमको पर्याप्त समय दिया, पहले भी इसका उदाहरण के लिए हमने एक बार दिन सुनिश्चित किया था तब तक कर्नाटक के चुनाव प्रारंभ हो गए और इस कारण हमको भवन को जो बड़ी जीवन सीमा अवस्था में था उसको ठीक ठाक करने का मौका मिल गया। और आज हमें ऐसा संस्थान इस राज्य को मिल गया जिसमें 300% रोजगार की गारंटी है, यानी कि एक बच्चे के पास कोई शहरी को यहाँ जाना चाहता है, यहाँ जाना चाहता है या किसी और संस्थान में जाना चाहता है, एक ऐसा संस्थान आज आपने हमको दिया है।